एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे योल अपना काम खत्म करके जाने लगती है, उसने आज योयो की वजह से हील्स भी पहनी हुई थी, पर पूरा दिन हील्स में रहने की वजह से उसके पैर में थोड़ी सी चोट आ गई थी और उसे चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इधर जैसे जीता को पता चलता है कि योल सियोयुन जैसे एक्टर के लिए काम कर रही है, तो वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो जैसे एक्टर के लिए काम कर। दूसरी तरफ योन सियोयु से मिलने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि वो अपने पहले प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करना चाहती थी। अब सियोयुन से मिलने के बाद जब यून वहां से जाने लगती है, तभी जुनयोंग वहां पर आ जाता है। वो यून से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, जहाँ में पता चलता है कि सियोयु और जुनयोंग की आपस में नहीं बनती थी और उनकी पहले भी लड़ाई हो चुकी, इसीलिए सियोयु उसे देखकर यहाँ से चला जाता है। यून फिर जुनयोंग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, तो जुनयोंग भी उसके सामने बहुत ही अच्छा इंसान होने का दिखावा करता है और उसे जैसे तैसे बात करके सियोयु की मूवी में एक रोल ले लेता है, क्योंकि वो कुछ भी करके यून के क्लोज आना चाहता था। जुनयोंग फिर अपनी टीम को ये भी बोल देता है कि वो यून में इंटरेस्टेड है। इसके बाद वुक्योंग से उसे पता चलता है कि यून चॉय की होने वाली बहू है। ये सुनकर जुनयोंग शॉक रह जाता है, क्योंकि अब तक ये बात उसे नहीं मालूम थी कि जीताए उसका फियांसे है। ये दोनों अब बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर योल और जीताए भी पहुंच जाते हैं, जहाँ उन जीताए को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो उसे जुनयोंग के साथ देखकर कुछ गलत ना समझ ले, या इंजरी की वजह से जीताए ने योल को अपनी बैग पर उठाया हुआ था। योल और जुनयोंग एक दूसरे को देखते हैं, पर जुनयोंग कोई भी रिस्पांस नहीं देता, तो योल उससे पूछते हैं कि वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा, पर जुनयोंग उसकी बात टाल देता है और उसे ऐसा बिहेव करता है कि जैसे वो अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। फिर वहां से चला जाता है, जो सब देखकर योल काफी हर्ट होती है और वो भी वहां से चली जाती। जीता अब एंगेजमेंट सेरेमनी में ना आने के लिए उनसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है, और वो भी जीता है कि इस बिहेवियर से काफी हर्ट थी। इधर योल अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने एक्स बॉस के साथ पार्टी करने लग जाती है। दूसरी तरफ जीता है जुनयोंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ये दोनों एक होटल के बाहर में जाते हैं, जहाँ पर जीता है को लगता था कि वो यून से मिलने के लिए वहाँ पर आया, पर जुनयोंग उसे बता देता है कि वो यून में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने उनके साथ शूट करने के लिए हाँ बोला। तभी जीता है जुनयोंग को बता देता है कि वो उसकी बीमारी में सब कुछ जानता है। वो उसे यूल से दूर रहने की एडवाइस देता है, क्योंकि अब वो वैसे भी कुछ टाइम जिंदा रहने वाला था, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब से वो यूल का ध्यान रखेगा। जो सब सुनकर जुनयोंग भी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीताए को उसकी बीमारी के बारे में पता होगा। अगले सीन में जब यूल पार्टी खत्म करके जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वो वुक्योंग की बहन को उसके कुछ पुराने मेट्स परेशान कर रहे हैं, जो सब उसे देखा नहीं चाहता है, इसलिए वो उन लड़कों की पिटाई करने लगती। तभी जुनयोंग वहां पर पहुंच जाता है। यूल फिर से अब जुनयोंग के पीछे जाने लगती है। वो जानती थी कि जुनयोंग उसकी केयर करता है, इसलिए वो उसे दिखाने लगती है कि उन लड़कों की वजह से उसे कहां कहां चोट आई है और उसे कितना दर्द हो रहा है, पर जुनयोंग चुपचाप खड़ा रहता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो होटल में काम करने वाली लड़की को उनकी हेल्प करने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है, और जिस होटल में सभी लोग रुके हुए थे वो चॉय की ही कंपनी का था। असल में मिसेस चॉय को लगता था कि अगर वो एक एक करके जीता ऐसे सब कुछ ले लेगी और वो सारी चीजें ही उनको दे देंगी, तो शायद जीता ही उनसे शादी करने के लिए मान जाए, पर जीता ही उसकी माँ की इंटेंशन समझ गया था, इसलिए वो उन्हें वॉर्न करता है कि उन्हें जो करना है वो कर ले, लेकिन वो यूल और उसकी फैमिली से दूर रहे। दूसरी तरफ जब जुनयोंग जॉगिंग करने के लिए जाता है, तो भागते भागते रास्ते में गिर जाता है और जो बॉटल उसके हाथ से गिर गई थी वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो एक बार में उसे उठा नहीं पाता। उसके हाथ तब भी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, मतलब कि उसकी बीमारी अब और भी जल्दी बढ़ती जा रही थी। वो जॉगिंग करने के बाद वहीं सी साइड पर बैठ जाता है। उसे अब सी भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में उसका विजन पूरी तरीके से ब्लर हो जाता है। तभी यूल वहां पर उसे बैठा हुआ देखकर फिर से उसके पास आ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करने लगी, पर जुनयोंग उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। यूल जानती थी कि जुनयोंग सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। उसे पता था कि असल में जुनयोंग उसके लिए क्या फील करता है। वो उसे बोलती है कि उसने लोगों की ऐसी बात पर भरोसा नहीं किया कि जुनयोंग अपनी इमेज क्लियर करने के लिए उसके साथ नहीं रहना चाहता। जो सब सुनकर भी जुनयोंग अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकालता और यूल से ऐसा ही प्रिटेंड करता है जैसे अब उसे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन अब यहाँ से जुनयोंग की मॉम पर आता है। उनके माइंड में बस वही सीन घूम रहा था जब वो चॉय से मिली थी। उसने चॉय से ये बोल दिया था कि उसने जोंगसिक से शादी कर ली थी और जुनयोंग उन दोनों का बेटा है, जिस बात को चॉय भी सच मान लेता है। अगले सीन में यूल फिर से शूट करने के लिए जाती है, लेकिन वो नाइट सूट में ही सियोयु के सामने पहुंच जाती है क्योंकि वो अपनी ड्रेस धोना भूल गई थी और उसके पास अब पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, जिसे नाइट सूट में देखकर सियोयु उसकी बहुत इंसल्ट करता है। जो सब सीन जुनयोंग भी खड़े होकर देख रहा था। सियोयु अब सबके सामने यूल का बहुत ही मजाक बनाता है और इंसल्ट भी करता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जुनयोंग उसका सपोर्ट नहीं करता। तभी यून भी वहां पर पहुंच जाती है और यूलिया खुद को डिफेंड करती है, जिसकी वजह से सियोयु यूल को जॉब से निकाल देता है।
ये जानकर योन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि युल के साथ बुरा हो, क्योंकि उसी की वजह से जीता ही उसे दूर किया था। अब जाते वक्त जीता ही उसे मिल जाता है और ये दोनों एक जगह पर कॉफी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ जीता ही उसे बताता है कि कैसे वो अपनी एंगेजमेंट के दिन उसके पास भाग कर आ गया था। तो युल भी अब यहाँ पर जान गई थी कि उसकी शादी युन से होने वाली। जीता फिर उसे पूछता है कि क्या वो सच में जुनयोंग से इतना प्यार करती है। उसे लगता था कि अगर वो युल का इंतजार करेगा तो युल इसके पास आ जाएगी, लेकिन युल उसे साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इधर वो क्योंग जुनयोंग से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने युल को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। उसी टाइम सियोयू और जुनयोंग अपने सीन की शूटिंग कर रहे थे। स्क्रिप्ट में यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि जुनयोंग को सियोयू को मारना है, लेकिन फिर भी जुनयोंग उसे मारने लग जाता है। असल में वो उसे सभी के सामने युल का मजाक बनाने के लिए मार रहा था, पर वो ये सब युल के सामने नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे नहीं दिखाना चाहता था कि वो उसे अब भी कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। युन यहाँ पर जुनयोंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो सियोयू से माफी मांग ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पहला प्रोजेक्ट ही बिगड़ जाए। यहाँ जुनयोंग पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वो युन के साथ सियोयू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सियोयू जुनयोंग को घुटनों के बल माफी मांगने के लिए कहता है। तो युन सियोयू से ऐसे माफी मांगने के लिए रेडी हो जाती, अब क्योंकि वो जुनयोंग को तो ऐसा करने के लिए बोल नहीं सकती थी। पर जब वो उसे माफी मांगने वाली होती है, तभी जुनयोंग उसे रोक देता है और खुद घुटनों के बल बैठकर सियोयू से माफी मांगता है, जिसका ये सब करना ही उन पर काफी बड़ा इफेक्ट डालता है। इसके बाद जब जुनयोंग होटल आता है तो युल उसके रूम के बाहर बैठी हुई थी। उसे पता चल गया था कि जुनयोंग ने उसके लिए सियोयू को कितना मारा, पर जुनयोंग ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। युल अब यहाँ पर जबरदस्ती जुनयोंग के रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ वो उसे जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती। उसे वहां से भेजने के लिए जुनयोंग उसे डराने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर युल बिल्कुल भी नहीं डरती और उसे बोलती है कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है। पर वो खुद ही उसे वहीं पर छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है और अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो युल को डेट क्यों नहीं कर सकता। वो अपने गिल्ट के साथ साथ अपनी माँ की वजह से भी युल को डेट नहीं कर रहा था। उसने उनसे बोल दिया था कि अगर वो उसे कोई वैलिड रीजन नहीं दे सकती तो वो युल को डेट करेगा और उसके साथ रहेगा। अब जुनयोंग वापस से अपने घर आ गया था, क्योंकि शूटिंग तो रुक गई थी। वो खुद सीक्रेटली अपनी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है, ताकि उसके मरने के बाद सब लोग उसकी रियल लाइफ बेस्ड डॉक्यूमेंट्री को देख सके। दूसरी तरफ वुकियोंग जुनयोंग से गुस्सा होकर उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में काम करने चला जाता है। वो वहाँ पर उसकी मॉम से कहता है कि उसने युल के साथ बहुत ही बुरा किया, जबकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अगले सीन में चॉय की वाइफ युल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जुनयोंग को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होने की एडवाइस देते हैं, लेकिन जुनयोंग फिर से उन्हें मना कर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि युन एक पेंडेंट लेकर जुनयोंग के घर पर आती है, जो कि जुनयोंग ने पूरी टीम को दिया था और उसने ऐसे जानबूझकर किया था। अब युन को लगता है कि जुनयोंग ने सिर्फ उसे एक गिफ्ट दिया है और वो उसे यही बताने के लिए उसके घर पर आ जाती है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, और जुनयोंग यही चाहता था कि वो उसके घर तक आए। बातों ही बातों में जुनयोंग यहाँ पर उसकी आंखों में देखने लग जाता है और युन भी गलती से उसे नजरें मिलाती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो एंगेज्ड है और फिर यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से जीता ही पर आता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसने युल को उसकी मॉम के साथ ऑफिस में देखा था। असल में चॉय की वाइफ युल को जीता से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे रिश्वत में बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। तभी जीता भी वहां पर पहुंच जाता है। वो युल को पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन युल को नोचे के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो पैसे ले लेती है। वो ये मान चुकी थी कि ऐसे पावरफुल लोगों के सामने वो और कुछ नहीं कर सकती और उसके पापा को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जुनयोंग देखता है कि युन अभी भी उसके घर के बैकयार्ड में ही खड़ी हुई है। वो जुनयोंग से पूछती है कि उसका युल से क्या रिलेशन है, तो जुनयोंग उसे बता देता है कि वो युल को पसंद करता है और युल भी उसको पसंद करती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। जो सुनकर युन को गुस्सा आ जाता है, वो जुनयोंग के सामने उसको इंसल्ट करती है कि तुम और जीता पागल हो गए हो, जो कि इस दो कौड़ी की लड़की के पीछे पड़े हो। पर जुनयोंग उसे वार्न करता है कि आगे से उसे युल के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। ये सुनकर युल गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर तभी उसके पैर में मोच आ जाती है, तो जुनयोंग उसकी मदद करता है और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है। इधर युल नारी के साथ उसे मिले हुए पैसे से शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है, जहाँ नारी उसे इतनी कॉस्टली चीजें लेने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी जीता भी वहां पर आ जाता है और युल पर उसकी मॉम से पैसे लेने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसे उसके पापा की याद दिलाता है और कहता है कि अगर वो सच में चॉय और उसकी वाइफ से कुछ लेना चाहती है तो उनसे उनका सब कुछ छीन ले। सीन अब यहाँ से जुनयोंग पर आता है, जो कि उनकी केयर करते वक्त भी युल की ही बातें किए जा रहा। ये सब सुनकर युन को अच्छा नहीं लगता।
फिर जुनियांग उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। चार रास्ते में योन उसे पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। असल में वो जुनियांग को डेट करके योन को हर्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसी की वजह से जीताए उसे दूर हुआ था। वो जीताए को उसे छीनना चाहती थी। जो सब बातें वो जुनियांग से कह देती है, और वो जीताए को भी दिखाना चाहती थी कि उसने किसे खोया है। अब यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे कि जुनियांग चाहता था। यहाँ वो उसे बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसे डेट कर पाएगी, और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सीधा नारी के घर पर जाता है जहाँ वो छुप कर खड़ा हुआ था। यूली यहाँ पर काफी सारी शॉपिंग करके घर आती है, तो नारी उसे काफी डांटती है और गुस्से में यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसे लगता था कि यूली ने अपने पापा और जीताए का सौदा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिनकी बातें जुनियांग भी सुन लेता है। यूल फिर नारी से यहाँ पर झगड़ा कर लेती है, जिससे नारी को भी काफी बुरा लगता है। वो जीताए को कॉल करके रोते हुए बता देती है कि कैसे भी करके उसे पुरानी यूल वापस चाहिए। तो जीताए डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए उनसे सब कुछ छीन लेगा। दूसरी तरफ जुनियांग की मॉम को यही सोचकर अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो चॉय की वजह से यूल के साथ नहीं रह सकता। सीन अब जुनियांग पर आता है, जो कि यूल के पीछे पीछे जाता है, जहाँ यूल रास्ते में बैठे बैठे एक जगह पर सो जाती है। तो जुनियांग उसे उठाकर नारी के घर के बाहर छोड़कर आ जाता है। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन फिर रुक कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब यून यूल को मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ जुनियांग भी यून के लिए गिफ्ट लेकर उसे मिलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज यून का बर्थडे था। पर यूल होटल के अंदर पहले पहुंच जाती है, जहाँ यूल उसे बोल देती है कि वो जीताए से दोबारा नहीं मिलेगी। पर तभी जीताए उसे कॉल कर देता है, तो यून उसका फोन लेकर खुद कॉल पिक कर लेती है और उसे बता देती है कि यूल उसके साथ है। वो उस पर इस बात का गुस्सा निकालती है कि उसने पैसे भी ले लिए और अभी तक जीताए से दूर नहीं गई। गुस्से में यून उस पर सारा खाना फेंक देती है और उसे काफी बुरा भला कहती है। वो उसे बोलती है कि उसे मर जाना चाहिए, जिस सबकी वजह से यूल काफी डर जाती है। पर तभी जीताए वहाँ पर आकर उसे रोकता है, जिसे यहाँ पर देखकर यूल बोल देती है कि मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी, और यहाँ से चली जाती है। अब जब वो लिफ्ट खोलने का वेट कर रही थी, तभी लिफ्ट के खुलते ही उसकी नजर सामने खड़े जुनियांग पर पड़ती है। यूल की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करते। 2 मिनट के लिए यूल यहाँ पर अपने सपने को याद करती है, जो कि उसने पिछली रात देखा था, जिसमें जुनियांग उसे अपने साथ घर पर लेकर जाता है और उसके लिए नूडल्स बनाता है। वो उसे किस भी करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और मस्ती करते हैं। यूल नहीं चाहती थी कि उसका यह सपना कभी टूटे, पर असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जुनियांग और यूल एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। दूसरी तरफ यून जीताए से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बर्थडे के दिन वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए, पर जीताए गुस्से में उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी जुनियांग वहां पर पहुंच जाता है और यून से कहता है कि वो जीताए को जाने दे और उसके साथ पार्टी करे। तो जीताए वहां से चले जाता है। जुनियांग फिर यहाँ पर उसे सैंडल्स और बुके गिफ्ट करता है, साथ ही वो उसके लिए काफी केयर भी शो करता है। तो यून उसे ये सब करने का रीजन पूछती है, क्योंकि वो तो यूल को पसंद करता था। पर जुनियांग उसे कहता है कि वो यूल की यादों को मिटाकर बस उसके ख्यालों से भरना चाहता है। तो यून भी अब यहाँ पर धीरे धीरे जुनियांग की बातों में आने लग जाती, जिसके बाद जीताए जुनियांग से पूछता है कि वो यून के क्लोज जाने की कोशिश क्यों कर रहा है, पर जुनियांग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो जीताए यूल से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यूल उससे नहीं मिलती, और फिर जुनियांग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। 4 रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद वो अपनी मॉम को उनके घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ वो भी पहले उनके साथ रहा करता था। वो उनसे अपने हाथ का एक्यूपंचर करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे चीजें अब पकड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगी, और वो अब भी उन्हें अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। जाते जाते पर उसकी मॉम उसे ये कह देती है कि अगर वो यूल से प्यार करता है तो उसे प्यार जाता है और परेशान ना करे। वो ये भी कहती है कि चॉइस से अब उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और अब कभी भी हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, ना ही उसकी वजह से हमें अपना कोई काम अधूरा छोड़ना चाहिए। जिनकी ये सारी बातें सुनकर जुनियांग को बहुत ही सुकून मिलता है। वो जैसे ही घर आता है तो यूल उसके घर के बाहर ही बैठी हुई थी। जुनियांग उसे मिलता है, लेकिन उसे पहले की तरह बिहेव नहीं करता और ना ही कोई अफेक्शन शो करता है, क्योंकि उसे अभी अपना मकसद पूरा करना था। पर यूल यहाँ पर उसे आखिरी बार बाय बोलने के लिए आई थी। वो जुनियांग से उनके ब्रेकअप का रीजन पूछती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो यूल को लगता है कि या तो जुनियांग उसे पसंद नहीं करता, या फिर उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। इसीलिए अब यूल उसे उसका टाइम वेस्ट करने के लिए पैसे मांगती है, जितने उसने चॉय की वाइफ के दिए हुए पैसों में से खर्च किए थे। पर वो इस बार में जुनियांग को कुछ नहीं बताता। जुनियांग भी अब यून को ब्लैंक चेक दे देता है, और चेक देने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो यूल भी जाते हुए बोल देती है कि अब से हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जो सब सुनकर भी जुनियांग उसे नहीं रोकता, पर यूल बाहर आकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। असल में जुनियांग ये चाहता था कि उसने यूल के साथ पहले जो कुछ भी किया था, वो उसके गिल्ट से फ्री होने के बाद ही उसके साथ रह सकता था। अब अगले दिन यूल मिसेस चॉय से मिलकर उसके घर पर जाती है। वो उसे उसके सारे पैसे लौटा देती है। वो कहती है कि वो पैसे लिए बिना भी जीताए से दूर रहेगी, ना ही अब उसका उन लोगों से कोई लेना देना है, और वो किसी से भी बदला नहीं लेना चाहती। जाते वक्त उसे जीताए मिल जाता है।
वो उसे पैसे लौटाने के बारे में कह देती है और ये भी कहती है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। रिताय को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यूल को ये सब उसकी मॉम की वजह से करना पड़ रहा है। वो उस टाइम अपनी कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग रखवाता है ताकि वो अपनी मॉम को कंपनी से निकलवा सके क्योंकि असल में उसकी मॉम की मैनेजमेंट की वजह से कंपनी बहुत ही लॉस में जा चुकी और वो उन्हें उनकी किए की सजा भी देना चाहता था। अगले सीन में फिर चॉय का मैनेजर उसे बताता है कि जुनियोंग के किसी भी डॉक्यूमेंट में उसके फादर का नाम नहीं है तो चॉय को डाउट होता है कि जुनियोंग की माँ उसे झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ यून जुनियोंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है पर जुनियोंग उसे ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि वो रनिंग के लिए जा रहा है और आधे घंटे में आएगा। सीन अब यहाँ से यूल पर आता है जिसे कि जुनियोंग की डॉक्यूमेंट्री के हेड ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था क्योंकि जो शूटिंग यूल ने की थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी और क्योंकि ये सब यूल ने शूट किया था इसीलिए वो उसे ही इस वीडियो को एडिट करने के लिए बोलते हैं। शूटिंग के अंदर वो वाली टेप्स भी थी जो कि जुनियोंग ने खुद रिकॉर्ड की थी पर उनके अंदर वॉइस ही नहीं थी। दूसरी तरफ जीताई की मॉम मीटिंग में सभी को आने से मना कर देती है और इधर जुनियोंग भी रनिंग करने के बजाय बस अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। वो जानबूझकर घर नहीं जाता और ना ही उनका कॉल पिक करता है। इधर उन वीडियोस को देखते देखते यूल के हाथ में वो टेप लग जाती है जो कि जुनियोंग ने रिकॉर्ड की जिन्हें वो सुनने लग जाती है। इसके बाद हम वापस से जुनियोंग को देखते हैं जो जब रात होने के बाद घर पर जाता है तो यून अभी तक उसका वेट कर रही थी पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में वो जुनियोंग पर ग्लास फेंक देती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जुनियोंग फिर वूकियोंग को कॉल करके बोलता है कि वो आकर यून को उसके घर तक छोड़ आए जहाँ जुनियोंग के इस तरीके से उसे इग्नोर करने की वजह से यून को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सेन अब यहाँ से यूल पर आता है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से जुनियोंग की वॉइसलेस वीडियोस को देखती है। वो समझ जाती है कि वो क्या बोल रहा है। जिन सारे वीडियोस के अंदर जुनियोंग यूल से ही बातें कह रहा था वो उसके साथ नहीं थी पर फिर भी वो इस तरीके से अपने मन की सारी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने ही हो जहाँ उसने इन वीडियोस के अंदर अपनी बीमारी के बारे में भी उसे बता दिया था। दूसरी तरफ जुनियोंग यून से जानबूझकर कहता है कि उसने अभी तक जीताई को नहीं छोड़ा। उसी टाइम उसे मिसेस चॉय कॉल करने लग जाती है तो यून को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि अगर वो जीताई को नहीं छोड़ेगी तो हो सकता है कि वो जुनियोंग को खो दे इसलिए वो कॉल पिक करके जीताई की मॉम से बोल देती है कि वो जीताई के साथ नहीं रहना चाहती जिसके ये बोलते ही जुनियोंग यून को किस कर देता है जिसके थोड़ी देर बाद ही उनको रियलाइज होता है कि शायद उसने ये सब करके गलती कर दी पर वो इस सब का गुस्सा जुनियोंग पर निकालने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जुनियोंग ने उसका मजाक बनाने के लिए ये किया है। इस पर वो उसे जवाब देता है कि अगली बार जब हम केस करें तो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग भी उतार के आना क्योंकि मैं दिल का इतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी और की होने वाली वाइफ को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकूं। जो सुनकर जुनियोंग गुस्से में वहां से चली जाती है पर यूल उसे वहां से जाते हुए देख लेती है। वो जुनियोंग से यहाँ पर मिलने के लिए आई हुई थी पर यून को वहां पर देखने के बाद वो रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो जुनियोंग से मिले या फिर नहीं इसीलिए वो बाहर बैठे बैठे ही रोने लगती। अगली सुबह जुनियोंग का डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि यूल उससे मिलने के लिए आई थी तो उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया जहाँ उसे डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि वो अब सच में ज्यादा दिन जीने नहीं वाला। ये सुनकर जैसे ही जुनियोंग अपने रूम से बाहर जाता है तब यूल ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी। यूल उसे यहाँ पर ये नहीं बताते कि उसे सब कुछ मालूम है। वो बस जुनियोंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ रहने दे। वो ये भी बोल देती है कि तुम चाहो तो किसी भी लड़की को डेट कर सकते हो। दूसरी तरफ जीताई अपने अंकल जो कि एक लॉयर थे उनके पास वो सबूत लेकर जाता है जिसमें उसकी मॉम की वो सारी डिटेल्स थी जिस बेसिस पे उन्हें कंपनी से आराम से निकाला जा सकता था लेकिन उसके अंकल उसकी कोई भी मदद नहीं करते। अंकल के जाने के बाद यून वहां पर आती है और उसे ये सब करने से मना करती है। वो उसे बताती है कि उसे जुनियोंग से प्यार होने लगा है। वो पूछती है कि क्या वो उसे रोकेगा नहीं पर जीताई को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो क्लियरली उसे बोल देता है कि वो उसके पास लौट कर फिर कभी नहीं आएगा। ये सुनकर यून फिर से हर्ट हो जाती। वो जीताई की मॉम से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बता देती है कि लास्ट नाइट वो उसी के साथ थी जिसे वो अब डेट कर रही है। वो जीताई से शादी के लिए मना कर देती पर जीताई की मॉम यून को इनडायरेक्टली फोर्स करती है कि वो जिसे भी डेट कर रही है उसे भूल जाए। वो यहाँ पर उसे यूल की पापा की डेथ के केस में बचाने के बदले उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सीन अब यहाँ से चॉय पर आता है। उसकी माइंड में जुनियोंग और उसकी मॉम से रिलेटेड सारी बातें घूम रही थी इसलिए फाइनली वो जुनियोंग से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है क्योंकि अब वो श्योर था कि जुनियोंग ही उसका बेटा है। जब उसने जुनियोंग की मॉम को छोड़ा था तब वो खुद भी ये बात जानता था कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ देता है। अब चॉय यहाँ पर जुनियोंग से मिलने के लिए तो आ गया था पर तभी जीताई भी वहाँ पर आ जाता है। वो चॉय को देखकर समझ जाता है कि उसे सच पता चल चुका है और चॉय भी उसके सामने सच को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जुनियोंग से मिले बिना ही वो यहाँ से चला जाता है पर जीताई जुनियोंग से मिलता है। जुनियोंग जानता था कि वो यहाँ पर उसके बारे में ही बात करने के लिए आया है। जीताई उसे बोलता है कि तुम अपना बदला मुझे लेने दो और तुम बेफिक्र होके मारो इन सब के बीच में यून को मत लेकर आओ।
अब जीता है कि यहाँ से जाने के बाद जुनियांग को कॉल आता है कि यूल उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में पहुंच गई है। उसकी मॉम यूल को अच्छे से ट्रीट करती है, जहाँ जुनियांग भी रेस्टोरेंट के बाहर दूर से ही सब कुछ देख रहा था। यूल फिर जुनियांग की मॉम को यहाँ पर हक करके बोलती है कि आप मुझे हिम्मत रखना सिखाना और चाहे जो कुछ भी हो आप भी हार मत मानना। जुनियांग की मॉम को समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी बातें यून उनसे क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें जुनियांग की बीमारी के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ यून जीता है कि मॉम और जुनियांग दोनों की बातों के बारे में सोचती है और फाइनली वो जुनियांग को चूज करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनियांग की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग फिर से शुरू होती है। तब यूल भी वहां पर पहुंच जाती है। उसे देखकर डायरेक्टर नम फिर से गुस्सा हो जाते हैं। अब जब नम यहाँ पर यूल की इंसल्ट कर रहा था तो जुनियांग कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस वक्त उसे काफी पेन होने लग गया था, जिसके चुप रहने की वजह से वो क्यों को उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है। वो फिर से काम छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। तो जुनियांग भी शूटिंग रोक कर अंदर आ जाता है और अपनी दवाई लेने की कोशिश करता है। इधर यूल भी सभी को वहाँ से भेज देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जुनियांग की तबीयत खराब हो रही है, जिसे डायरेक्टर को लगता है कि जुनियांग ने यूल की वजह से शूटिंग रोक दी। अब सबके जाने के बाद जब यूल अंदर जाती है तब जुनियांग नीचे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो हॉस्पिटल कॉल नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि जुनियांग इस बार में किसी को भी नहीं बताना चाहता। अब जुनियांग के होश में आने के बाद यूल उसे एडमिट होने के लिए बोलती है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। वैसे तो वो ये सब कुछ उसके साथ करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी भी उसका मकसद पूरा होना बाकी था। दूसरी तरफ यून चॉय के घर पर पहुंच जाती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर जीताए को दे देती है। वो चॉय से कह देती है कि आपने मेरी पहले जो भी हेल्प की उसका फायदा आपको मेरे डाइट से पहले ही मिल चुका है, इसीलिए इस वजह से मुझे जीताए से शादी करने के लिए फोर्स मत करना। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब जुनियांग पर आता है। अब उसकी बीमारी के सिम्टम्स इतने बढ़ गए थे कि ये सब कुछ भूलने लगा था। वो खुद की किए हुई चीज़ों को ही भूल जाता है और काफ़ी टाइम बाद उसे याद आता है कि उसने क्या क्या किया था। तब यूल वापस आ जाती है और जुनियांग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो अंदर आने दे। उसे लगता है कि जुनियांग उससे दूर इसीलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद यूल टूट जाए। वो जुनियांग को आई लव यू कहती है और उसे बताती है कि अब से वो एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहती और हमेशा उसके पास रहना उसका ख्याल रखना चाहती है। पर जुनियांग दरवाजा नहीं खोलता। वो ये तक भूल गया था कि 13 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो अपने फोन में अलार्म सेट कर देता है। यूल अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी, तभी यून वहाँ पर आ जाती है, जिसके लिए जुनियांग दरवाजा खोल देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर यूल है, लेकिन उसके सामने यून खड़ी हुई थी। वो जुनियांग को यहाँ पर हक कर लेती है और उसे बताती है कि वो अपनी रिंग उतार कर आई है, जो सब कुछ यूल भी देख रही थी। असल में जुनियांग उसे भी भूल गया था, लेकिन काफी याद करने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो फिर उसे लेकर अंदर चला जाता है और यूल बाहर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी, इसीलिए वो भी यहाँ से चली जाती। जुनियांग ने यूल के साथ जो कुछ भी किया था वो खुद उससे भी ज्यादा चीजें झेल रहा था। सीन अब यहाँ से उनके डैड के घर पर आता है, जहाँ चॉय और उसकी वाइफ नहीं जाते थे कि उनके डैड भी अब जीता है और उनकी शादी से पीछे हट जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन्हें पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर उनके डैड भी इस शादी से पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो बस उनकी खुशी चाहते थे। उनके डैड अब चॉय और उसकी वाइफ को आगे किसी भी तरीके का फायदा देने से मना कर देते हैं। तो चॉय की वाइफ यहाँ पर उसके डैड को बता देती है कि यून खुद एक एक्टर होकर एक एक्टर को डेट कर रही है, जिसका नाम सुनते ही चॉय एकदम शॉक रह जाता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।